Right guys, welcome back to the channel. आई होप आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियरली सुनाई में आ रही होगी. आज मुझे घर पे कोई इंपॉर्टेंट काम है और कल भी शायद हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको आजकल थोड़ा कम ही अपडेट रख पाऊंगा. अभी जो मार्केट में चल रहा है उसके बारे में ये वीडियो है. जैसा आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि ये SEC या फिर SEC इंक्वायरी क्या है, भैया हमें समझाओ कि माजला क्या है. तो एक चीज़ और मैं आपको पहले ही शुरुआत में क्लियर कर दूं, आप इस वीडियो को 1% भी नेगेटिव वे में मत लेना. आपको पता होगा कि इस समय यूट्यूब पर कुछ ही ऐसे क्रिएटर है, ट्रेडर हैं, जो कि डॉज से रिलेटेड पॉजिटिव बातें कर रहे हैं. बाकी और जितने भी बड़े क्रिएटर हैं वो इसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं वो आपको पता ही है, और हमेशा वो गलत साबित हो जाते हैं इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद में. तो अभी क्या बातें चल रही है, क्या चल रहा है, वो सिर्फ एक न्यूज अपडेट की जैसे इस वीडियो को लेना. थोड़ा सा एक क्विकली ओवरव्यू देख लेते हैं डॉजकॉइन का. फोर्थ रिंग पर अभी भी ये बना हुआ है, 37 रुपये 41 पैसे अभी इसकी लाइव हमें प्राइस देखने को मिल रही है. लगभग 4% के समथिंग अभी ये डाउन चल रहा है. BTC के पेयर में तो हालांकि ये अप चल रहा है, बट इथेरियम के पेयर में 1 से 1.5% के समथिंग ये डाउन चल रहा है. 24 हॉर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो मैक्सिमम हाई गई थी वो लगभग 43.5 रुपये थी. ठीक है, अगर हम इसके चार्ट को भी देखें 24 हॉर्स के, और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस समय तीनों ही चीज़ें डाउन चल रही है. मार्केट कैप भी डाउन चल रही है, इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी डाउन चल रही है. लगभग मार्केट कैप में 3.5% के समथिंग गिरावट देखने को मिली है. वॉल्यूम में भी 24 घंटे के भीतर 35-36% की डाउन हमें देखने को मिली है. ठीक है, और अगर हम इसके चार्ट को देखें 24 हॉर्स पे रख रखा हूँ, तो हमें एक फॉलिंग वेज बनती हुई दिख रही है, एक फॉलिंग चैनल बनता हुआ दिख रहा है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें टेक्निकली हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. अब मेन मुद्दों की बातों पर आ जाते हैं कि भैया अभी मार्केट में क्या चल रहा है. थंबनेल पर आपने देखा होगा कि मैंने एक लल्लन टॉप का लगाया हुआ है, एक मैंने आज तक का लगाया हुआ है, एक अलग ही एक चैनल है. इसी तरीके से अगर मैं आपको चैनल के बारे में बताता जाऊँ तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, ठीक है, बड़े मीडिया हाउसेस है जो कि डॉजकॉइन पर ऐसी बातें कर रहे हैं कि इलॉन मस्क ने सिर्फ एक बुलबुला बना दिया है जो कि अब जल्दी फूट जाएगा और वो खुद ही इसको पिन करके फोड़ देंगे. इस तरीके से अलग अलग तरीके की बातें बहुत सारे वीडियोस ऐसे बन रहे हैं. हालांकि आज तक वो लल्लन टॉप पर ये जो SEC है, SEC है, कमीशन है ये, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं, लेकिन आज तक पे तो कुछ ऐसी बातें हुई थी कि भाई ट्वीट के बाद में एकदम से बिटकॉइन धड़ाम हो जाता है, तो ये हमें चिंताजनक बात है. और इसी तरीके से जो लल्लन टॉप है उसमें भी आप एक बार पूरा वीडियो देख लेना, उसमें भी कुछ इस तरीके से बातें की गई है. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी वीडियो है जो कि कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो उन पर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं उन चैनल्स पर. अभी आपको पॉजिटिव करने के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ दे देता हूँ मैं, जो कि गैजेट्स 360 डिग्री की तरफ से आई है. NDTV वेंचर का ही एक ये वेबसाइट है, जैसा आप पढ़ सकते हो, क्लाउड बेट कैसीनो एड्स डॉग कॉइन लाइट कॉइन ऑन इट्स साइट फॉलोइंग कस्टमर सर्वे. CloudBet had conducted a survey asking almost 10,000 customer which new cryptocurrency to add to its site. इन्होंने क्या करा था, अपनी साइट पर ऑलमोस्ट 10,000 लोगों को लेकर, कस्टमर्स जो हैं इनके, उनको लेकर एक सर्वे किया था, और उसके बेस पर इन्होंने 2 नई क्रिप्टोकरेंसी को अपनी साइट पर ऐड कर दिया है. इसी तरीके से आप इसके हाईलाइट को भी देख लेना जो भी पॉइंट्स है. और अगर मैं थोड़ा सा और इसको नीचे स्क्रोल करके पढ़ू, CloudBet कैसीनो हैज एडेड डॉगकॉइन एंड लाइटकॉइन ऑन इट्स साइट आफ्टर ही 2 डिजिटल कॉइंस ड्यू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन रिसेंट सर्वे ऑफ ऑलमोस्ट 10,000 कस्टमर. मतलब वही बात है, हम इस वीडियो में ज़्यादा इसको पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं फिर यार भैया टू द पॉइंट बात करा करो. तो जिनको इस न्यूज़ को पूरा पढ़ना है तो एक बार ये आप जा सकते हो गैजेट्स 360 डिग्री की वेबसाइट पर, काफ़ी अच्छी और जेन्युइन वेबसाइट है, इस पर जाकर आप इस पूरी न्यूज़ को पढ़ सकते हो. ठीक है, फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही, मैंने इतना बताया कि पॉजिटिव न्यूज़ें भी आ रही है, नेगेटिव की तुलना में ज़्यादा ही आ रही है. ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि ये जो कैसीनो है इन्होंने डॉग कॉइन को और लाइट कॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको ऐड किया है. तो एक बार ये वाली न्यूज़ आप फुल देख सकते हैं इनकी साइट पर जाके. और एक और जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो है NDTV की तरफ से, NBT की तरफ से. आप देख पा रहे होंगे आई होप कि डॉज कॉइन में लगा दी जीवन भर की सेविंग, 3 महीने में मिला 8 गुना रिटर्न. आप इससे ज़्यादा इंस्पायर ना हो और अपनी जो लाइफ की सेविंग है वो पूरी इसमें मत लगा देना. ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा ऐसा ही कहता हूँ. ये जो भाई साहब है जिन्होंने लगाया होता है, ये बेसिकली एक क्रिप्टो डॉज कॉइन मिलियनर है, और इनके शायद एक इनके वीडियोज़ भी आते रहते हैं, इनका चैनल है डॉज कॉइन मिलियनर के नाम से. ये वही भाई साहब है,
ठीक है। तो ये दो पॉजिटिव न्यूज तो मैंने आपको दे दी। अब बात कर लेते हैं कि इस समय मार्केट में क्या नेगेटिव बातें हो रही है, उसको उसके ऊपर हम थोड़ा सा आप देख लेते हैं, ठीक है। कल भी मैंने इस ट्वीट को आपको बताया था, ट्रेडिंग व्यू ने जब रिप्लाई किया था इलॉन मस्क के ट्वीट पर, तब कुछ इस तरीके से रिप्लाईज और आ रहे थे, जैसा आप देख सकते हो, मैनिपुलेशन ऑफ एसेट्स फॉर योर ओन बेनिफिट इज अ क्राइम। इसी तरीके से और भी हैं जो कि इलॉन मस्क के ट्वीट को लेकर अब इलॉन मस्क को ट्रोल कर रहे हैं, ट्रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी अगर मैं आपको और भी ट्वीट्स वगैरह बताऊं तो आप देख सकते हो, मैं आपको जैसा ये है, हाउ अबाउट यू स्टॉप मैनिपुलेटिंग द क्रिप्टो मार्केट, इसी तरीके से और भी हैं, ठीक है, ट्रोल, और भी बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह हैं, रिप्लाई वगैरह है, आप उनको एक बार देख लेना। डेव इज दिस नॉट मार्केट मैनिपुलेशन ऑफ सम सॉर्ट। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ट्रोल के जैसे या फिर नेगेटिव अब एलॉन मस्क के जो ट्वीट है उस पर आ रहे हैं। जो इनमें से मेन बात है वो है, कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि एलॉन मस्क जो भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं उसको लेकर हम जो सेक है उसमें केस करेंगे, या सेक को इसके बारे में पूरी बात करेंगे, इसके बारे में सेक क्या है या फिर SEC क्या है, जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा एक शॉर्टली इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। US की ये एक सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन है जो कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और जब 1929 में वॉल स्ट्रीट में क्रैश हुआ था तब उसके बाद में ही 1934 में ये कमीशन बनी। अब ज़्यादा हम हिस्ट्री वगैरह में जाएंगे नहीं। ये बेसिकली जो कमीशन है या फिर ये जो एजेंसी है वो इन्वेस्टर्स का और जो बैंकिंग सिस्टम है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, और इसका जो मेन पर्पस है वो है मार्केट में जो मैनिपुलेशन होती है उसको रोकना, ठीक है। तो ये शेयर मार्केट और थोड़ा सा क्रिप्टो मार्केट को भी देखती है, SEC है या फिर SEC है वो भी इसको फिलहाल देख रही है। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं, जैसा मैं आपको एक ट्वीट वगैरह भी बता देता हूँ, ठीक है, ट्वीट में ना जाके हम डायरेक्टली देख लेते हैं। ऐसा ही शायद क्या लगभग फरवरी में भी ये आया था, ठीक है, फरवरी की भी एक न्यूज़ थी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा मैं लाइव ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगे, थोड़ा टाइम दिख रहा हूँ, देख सकते हो 26 फरवरी की ये न्यूज़ है। इसमें भी बताया गया है इलॉन मस्क अंडर SEC इन्वेस्टिगेशन फॉर डॉग कॉइन ट्वीट। तो ये फंडा बेसिकली क्या है, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि इलॉन मस्क अपने ट्वीट के जरिए बार बार मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपको पता होगा इनका जो रिसेंटली एक ट्वीट आया था बिटकॉइन से रिलेटेड, बिटकॉइन के ऊपर, कि हम टेस्ला को अब बिटकॉइन से हटा रहे हैं, यानी कि आप बिटकॉइन के थ्रू टेस्ला को नहीं खरीद रहे हो। तो इस तरीके से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये तो सरासर मार्केट मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कई लोग क्या कह रहे हैं कि हम आपको SEC के पास ले जाएंगे, SEC को इसकी शिकायत करेंगे, या फिर ये जो कमीशन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, इसको हम शिकायत करेंगे आप जिस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो ट्वीट्स वगैरह आ रहे हैं और जितने भी न्यूज़ चैनल है जो कि ये बता रहे हैं कि भाई इलॉन मस्क एक बबल क्रिएट कर रहे हैं और वो खुद ही इस बबल को पिन लगाकर फोड़ देंगे, कुल मिला के ऐसी तरीके की बात हो रही है। देखो लगभग अगर 95% हम बात करें तो पॉजिटिव ही लोग हैं इसके बारे में, लेकिन 5% तो नेगेटिव हर चीज में लोग होते ही हैं, ठीक है। तो मेरा यहां इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा ये उद्देश्य है कि आप ज्यादा नेगेटिव ना हो इन ट्वीट्स को लेकर, इन बातों को लेकर। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनमें भी कुछ अब ऐसे वीडियोस बन रहे हैं जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। मैं किसी बड़े चैनल का बारे में बात नहीं करूंगा, फिर भी थंबनेल को देखकर आप समझ चुके होंगे, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हैं इलॉन मस्क जी, ठीक है। तो देखो केस वेस की तो बात रही दूर की, ये जो है फरवरी में भी बात आई थी, मैंने आपको बता दी कि मार्केट जो जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं इलॉन मस्क अंडर SEC इन्वेस्टिगेशन फॉर डॉजकॉइन, तो ये बातें भाई फरवरी से जनवरी से चलती हुई आई है, ज्यादा इसको आप सीरियसली ना ले और इसके चक्कर में आप गलत डिसीजन ना ले। अभी जैसा अभी मार्केट देखो सबका ही डाउन चल रहा है, ये ना सिर्फ डॉग कॉइन बल्कि आप और भी जितने अल्ट कॉइन्स देखोगे, हाँ हालांकि कुछ जो कॉइन्स है वो फिलहाल हमें ग्रोथ दिखा रहे हैं। कार्डानो जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, मैं बार बार इसको रिकमेंड करता हूँ, बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, ये सभी फिलहाल डाउन चल रहे हैं, और भी पोलका डॉट। देखो मैं आपको फिर से अच्छे कॉइन्स के बारे में अगर बताऊं, एक तो मैं HBAR आपको रिकमेंड करता हूं, आपकी मर्जी इन्वेस्ट करें ना करें, फिर भी अगर मेरी ओपिनियन जानना चाहे HBAR अच्छा है, कार्डानो अच्छा है, पोलका डॉट जिसको इथेरियम किलर भी कहते हैं अभी लगभग 8.5% की समथिंग ही हमें ये लाइव ग्रोथ दिखा रहा है। तो इन अच्छे कॉइन्स में भी आप अपना पैसा डालिए, ना सिर्फ मीम कॉइन्स में। मैं फिर से कह रहा हूँ डॉग कॉइन के पीछे तो देखो इलॉन मस्क और जितने भी सेलिब्रिटीज, अब तो कंपनीज वगैरह भी आ गई हैं,
बट और भी ये जैसे कॉइन्स वगैरह आते हैं, शिट कॉइन्स जिनको मैं कहूंगा, ये जैसे अकीता पिग और भी वैसे बहुत सारे जानवरों पे बने हुए हैं, तो इनको आप ज़्यादा सीरियसली ना लें। इसके ऊपर हमने पहले भी बात करी हुई, तो ज़्यादा घुमा फिरा के ये बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में मेरा ये उद्देश्य था कि आपको मैं थोड़ा सा मोटिवेट करूँ, अगर आप इन जैसे वीडियोज़ को देख के या फिर मैनिपुलेशन से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ वगैरह देख रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एक छोटी सी अपडेट थी। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, ना ही मैं किसी भी व्हाट्सअप नंबर को आपको शेयर करता हूं, आपको देता हूं। तो अगर कमेंट सेक्शन में कोई रिप्लाई आए कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो भाई वो फेक चैनल है, स्कैमर है, तो उनसे आप जरूर से बच के रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन।